हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस अमेजिंग वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग फॉर्मूला टैब को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हमने होम टैब के बारे में पढ़ा था, हमने इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ा था और पेज लेआउट के बारे में भी पढ़ा था। उन वीडियोस में हमने टैब्स के सारे ऑप्शंस के बारे में समझा था, वन बाय वन क्या किस ऑप्शन का यूज होता है वो सारे कुछ हमने देखा था। आज भी हम लोग उसी तरह से इसका यूज करने वाले हैं और फॉर्मूला बार में आने वाले हर एक ऑप्शन, इंसर्ट फंक्शन है या फिर फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला ऑडिटिंग है, वॉच विंडो है, कैलकुलेशन है, तो इन सारे ऑप्शंस को हम लोग समझने वाले हैं वन बाय वन। तो आपके लिए वीडियो फुल ऑफ इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि होम टैब की, इंसर्ट की और पेज लेआउट की वीडियो भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जिनसे कि आप उन सारे ऑप्शंस को भी समझ पाएंगे वन बाय वन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक्सेल में ऑलरेडी एक सीट ओपन करके रखी हुई है। इस सीट पे हम लोग फॉर्मूला टैब को सीखने वाले हैं। अब फॉर्मूला टैब के हम लोग वन बाय वन सारे ऑप्शन सीखेंगे, जिसमें हम लोग फंक्शन लाइब्रेरी सीखेंगे, डिफाइंड नेम या फॉर्मूला ऑडिटिंग या कैलकुलेशन, इन सारे ऑप्शंस को हम लोग इस एक वीडियो में सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें इंसर्ट फंक्शन। अब इंसर्ट फंक्शन आप देखेंगे, उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपके जितने भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ मिल जाते हैं। आपको रिसेंटली यूज फॉर्मूला देखने हैं, आपको फाइनेंशियल फॉर्मूलाज देखने हैं, लॉजिकल फॉर्मूला देखने हैं, टेक्स्ट देखने हैं, यानी कि हर फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर मोर फॉर्मूला में जाएं तो यहाँ पे भी हम लोगों को अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम लोग यहाँ से भी इंजीनियरिंग, क्यूब, इन्फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड अपने फॉर्मूलाज को इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये जो इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन होता है ये किस लिए यूज किया जाता है उसको आपको बताते हैं यहाँ पे कि मुझे कोई फॉर्मूला अगर इसमें इंसर्ट करना होता है तो हम यहाँ इंसर्ट फंक्शन में चले जाते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ इन्फॉर्मेशन से किसी अनदर ऑप्शन में, जैसे कि मैं मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ सम पे क्लिक, यानी कि मैंने एक फॉर्मूला है जो मैंने रिसेंटली यूज किया है वो अगर मैं यहाँ पे करूँ और जैसे इसको ओके करूंगा तो ओके करने पर आपको फंक्शन आर्ग्यूमेंट दिख जाएंगी। अब इन फंक्शन आर्ग्यूमेंट में आपको कौन सी वैल्यू चाहिए तो इसने ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर ली है B2 से F2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपको कोई दूसरी रेंज यहाँ पे देनी होती है तो यहाँ पे वो दूसरी रेंज आप दे सकते हैं। और सम का फॉर्मूला किस तरह से यूज करता है वो आपको दिखा देगा, एक तरीके से आपको दिखा भी रहा है कि टोटल उसका आंसर क्या निकलने वाला है, फॉर्मूला का क्या रिजल्ट निकलेगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देता है। आपको जैसे यहाँ पे ओके करना है और आपका फॉर्मूला यहाँ पे आंसर निकाल देगा। तो इस तरह से हम लोग इस इंसर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से हम एक्सेल के किसी भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। और इसका एक शॉर्टकट ये होता है शिफ्ट के साथ F3। अगर आप शिफ्ट के साथ F3 करते हैं तो इस तरह से भी आप फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अभी हम इसको हटाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें ऑटो सम की, यानी कि अगर मैं अभी इसे डिलीट करता हूं यहां से और यहां ऑटो सम वाले सेक्शन में जाऊं, जहां से मैं अगर डायरेक्ट सम यहां से कर दूं और एंटर प्रेस कर दूं तो यहां से सबका आंसर निकाल देगा। यानी कि अगर मैं इस सेक्शन को पूरा सेलेक्ट कर लूं उसके बाद मैं यहां पे ऑटो सम पे क्लिक करता हूं तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली इन सभी का सम यहां पे निकाल देगा। अगर मैं इस मैक्सिमम एरिया में जाता हूं और यहां से मुझे सम के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि आप मोर फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं, अभी मेरे को लगाना है मैक्स, तो मैक्स मुझे डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, मैं मैक्स में क्लिक करता हूँ और ये इस रेंज को ले रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको यही रेंज देनी हो, आपको इस एरिया में से जो भी रेंज देनी है आप उस रेंज को सिलेक्ट कीजिए, मैं इसको ये रेंज दे देता हूँ और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम नंबर है 316 उसका आंसर निकल जाएगा। सेम एज मुझे मिनिमम का फॉर्मूला लगाना है तो हम यहाँ पे करेंगे मिन का फॉर्मूला और यहाँ से हम लोग अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तो हमारी इस रेंज का जो सबसे मिनिमम नंबर होगा वो काउंट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट फंक्शन और ऑटो सम का यूज कर सकते हैं और ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जिनको एक कंप्लीट वीडियो के अंदर कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो हम लोग यहाँ पे इन फॉर्मूला को नहीं सीखने वाले हैं क्योंकि वन बाय वन एक एक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस एक वीडियो के अंदर। क्योंकि आप देखेंगे फाइनेंशियल के अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मूला दिखते हैं और कम से कम एक ही फॉर्मूला के लिए भी बहुत सारा टाइम हम लोग को देना पड़ता है उसको समझने के लिए, तो इन फॉर्मूलाज को हम लोग अभी नहीं समझेंगे क्योंकि हर एक वीडियो में आपको अलग अलग फॉर्मूला हम लोग बताते हैं, कई बार कोई किसी फॉर्मूला का यूज बताते हैं, कई बार किस फॉर्मूला का यूज बताते हैं, तो ये आप उन वीडियोस में देख सकते हैं। तो अभी हम लोग फॉर्मूला बार के जो अदर ऑप्शंस होते हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं हम इनको समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इस डिफाइंड नेम सेक्शन की, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं डिफाइन नेम। अब डिफाइन नेम ये होता है कि आप किसी लोकेशन के नेम को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ हिमांशु का नेम तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, हिमांशु की जो रेंज है इस रेंज को मुझे सिलेक्ट करना है जिसके मार्क्स हैं
और उसके बाद हम लोग यहाँ डिफाइन नेम पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ डिफाइन नेम में क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हिमांशु को सिलेक्ट कर लेगा, और इसने एक रेंज यहाँ पे सिलेक्ट करी हुई है जो मैंने इसको दी हुई है। अगर हम इसको ओके करते हैं तो यहाँ पे हिमांशु का नेम बन चुका है। यानी कि अगर मैं इस सेक्शन से इस डेटा को डिलीट करता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पे आंसर निकालना है, तो मैंने यहाँ पे किया इक्वल सम। सम करने के बाद मैंने यहाँ पे हिमांशु का नेम डिफाइन किया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिमांशु। जैसे आप देख पा रहे होंगे इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर ली। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये इस तरह से यहाँ पे हिमांशु का आंसर निकाल देगा। जैसे कि मुझे अगला नाम डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिफाइन नेम पे, क्या हमें नेम देना है तो हम लोग यहाँ पे नेम दे सकते हैं उसका। अभी मैंने मैनुअली कोई डेटा इसमें सेलेक्ट नहीं किया था तो इसने ऑटोमेटिकली इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया है। तो अगर हम यहाँ से रेंज सेलेक्ट करना चाहें तो हम इस तरह से रेंज सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये इस तरह से हर्षित का नाम यहाँ पे डिफाइन कर लेगा। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ हर्षित और यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँ और एंटर प्रेस कर दूँ तो ये इस तरह से इसका आंसर निकाल देगा। तो इस तरह से आप डिफाइन नेम का यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसका यूज कर पाएंगे। अगर मैं शीट नंबर थर्ड पे हूँ और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इस सेक्शन पे जाऊँ और यहाँ मैं हर्षित पे क्लिक कर दूँ तो मैं डायरेक्टली इस सेक्शन पे पहुंच सकता हूँ। यानी कि किसी दूसरे सीट से भी हम लोग डायरेक्ट जंप कर सकते हैं किसी अनदर सीट के ऊपर। और कहीं पर भी मान लीजिए मैं इस सीट पे नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं दूसरी सीट पे यहाँ पे सम निकालना चाहता हूँ हर्षित का बिना मेरे रेंज के, तो यहाँ पे लिखूंगा हर्षित और ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग बिना अपने डेटा के पर्सन का आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये होता है डिफाइन नेम और ये आपको हर फॉर्मूला में हेल्प करता है। इसमें एक अगला ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन समझते हैं, उससे पहले हम लोग इसे सम कर देते हैं। इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे करते हैं एंटर और इन सभी का आंसर इस तरह से निकाल लेते हैं। तो मैंने दोनों ऑलरेडी डिफाइन किए हैं, हिमांशु का और हर्षित का। अगर मुझे किसी अंदर पोर्शन पे जाके इनका नाम डिफाइन करना है कुछ अलग तरीके से तो हम इस पूरे डेटा को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे टॉप रो और लेफ्ट कॉलम करके दो ऑप्शन दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से टॉप रो को हटा के लेफ्ट कॉलम का यूज करता हूँ और इसे ओके करता हूँ, अब ये कह रहा है कि रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ हिमांशु, कि हिमांशु का जो ऑलरेडी नेम है क्या आप उसे रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ यस। हर्षित का भी है उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो हम कर देंगे यस। यस या नो हम दोनों कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाह रहे हैं। क्योंकि आप अगर रखना चाहेंगे उसी पुरानी वैल्यू को तो आप नो करेंगे, और अगर आप नए डेटा को उसकी जगह रिप्लेस करना चाहेंगे तो आप यस कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे नेम मैनेजर में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे नेम मैनेजर क्या करेगा कि आपके जितने भी नेम आपने डिफाइन किए हैं उन सभी नेम को यहाँ पे ले आएगा। कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे, यहाँ से मैं इसे क्लोज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल नेम तो आप देखेंगे इसने ऑटोमेटिकली नेम के लिए इस तरह से लेफ्ट को एरियाज को सिलेक्ट कर लिया है, लेफ्ट से राइट को। अगर मैं इस तरह से लिखूं यहाँ पे इक्वल सुंदर और यहाँ पे मैं देखूं तो इस सुंदर इसने पूरा का पूरा डेटा इस तरह से सिलेक्ट कर लिया है। यानी कि इस तरह से भी हम लोग अपने नेम को डिफाइन कर सकते हैं। आपकी जो पूरी लिस्ट है वो पूरी लिस्ट इसने इस तरह से एडजस्ट कर ली है। अब नेम मैनेजर को क्या हेल्प करता है कि आपको सारे नेम डिस्प्ले करता है। इवन डिस्प्ले ही नहीं, आप यहाँ से अपने नेम्स को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ ऐड किया है तो उन्हें डिलीट कर सकते हैं। वो किस तरह से करना है आप एडिट ऑप्शन में क्लिक करिए। हर्षित का अगर मैं डेटा देखूँ, यहाँ पे हर्षित का डेटा पूरा इसने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने जब डेटा डिफाइन किया था तो मैंने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया था। अगर मुझे इतना ही डेटा रखना है और हम ओके करेंगे तो आप हर्षित के डेटा में इतना ही डेटा रखेगा। अगर कोई चीज़ मुझे नहीं रखनी है तो हम क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। और अगर सारी डिलीट करनी है तो हम सबको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे और इसे ओके कर देते हैं। तो हम देखेंगे इस तरह से यहाँ पे नेम एरर भी आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हिमांशु का आंसर निकाला था और यहाँ मैंने हर्षित का निकाला था, तो इस बेस पे नाम तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये नेम एरर शो कर रहा है। तो अभी हम लोग इसी फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं ऊपर को ड्रैग करके, तो अभी इनका आंसर ऐसे निकल जाएगा। अभी हम देखते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में अनदर ऑप्शन क्या है। अगर मैं इस डेटा को दोबारा से सेलेक्ट करूँ, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएं, यहाँ आने के बाद मैं अगर लेफ्ट का डेटा हटा दूँ, यानी मुझे कॉलम के अकॉर्डिंग नहीं है बल्कि रो के अकॉर्डिंग अब नेम डिफाइन करने हैं, और हम अगर इसे ओके करते हैं नेम मैनेजर में, अगर हम चेक करें तो इंग्लिश हिंदी मैथ कंप्यूटर साइंस इस तरह से डेटा आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल नेम तो आप देखेंगे नेम में सारे नेम सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल हिंदी तो देखेंगे हिंदी के मार्क्स इस तरह से सेलेक्ट हो रहे होंगे। तो इस तरह से आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से भी नेम को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, नेम मैनेजर क्या होता है, डिफाइन नेम क्या होता है और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है। इसी तरह से यहाँ पे अगला ऑप्शन है यूज इन फॉर्मूला, यानी कि मैंने नेम रेंज दे रखी है ऑलरेडी और यहाँ पे मैं अगर करता हूँ इक्वल हिंदी, हिंदी करने के बाद मुझे यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना हो तो मैं यहाँ पे करूंगा सम, और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं एंटर कर दूँ तो यहाँ पे हिंदी के मार्क्स मेरे टोटल निकल जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम यूज इन फॉर्मूला में देखें तो हमारे पास पूरी लिस्ट है यहाँ पे, और पूरी लिस्ट पे अगर हम लोग यहाँ पे टोटल में क्लिक करें तो यहाँ पे सारे टोटल सेलेक्ट हो गए, और यहाँ आने के बाद
अगर मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि इस पूरे टोटल एरिया में हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैक्स और इतना करने का हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो देखेंगे 316 जो हमारा मैक्सिमम नंबर यहाँ पे शो कर रहा है वही 316 यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस होते हैं कि आप इनका यूज कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गए हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग आते हैं फॉर्मूला ऑडिटिंग में। तो इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले हम लोगों को दिखा रहा है ट्रेस प्रेसिडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट में क्या होता है कि आपने कई जगह फॉर्मूला यूज किए हुए हैं और आपको ये चेक करना है कि आखिर जहां पे आपने फॉर्मूला लगाया है वहां पे कौन कौन सी रेंज से आपका डेटा सिलेक्ट हुआ है। तो उसके लिए आप यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि इस जगह पे मैंने कौन से फॉर्मूला का यूज किया है, तो जैसे मैं ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करूंगा, ये सारी वैल्यू दिखाएगा कि सारी वैल्यू आंसर निकाल रही है इसका। उसी तरह से अगर मैं किसी दूसरी जगह देखूं, मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रेस प्रेसिडेंट, तो ये ऐसे दिखा रही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, मैं यहाँ से करता हूँ ट्रेस प्रेसिडेंट, तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया है। मैं अभी रिमूव एरोज करता हूँ। अगर मैं अब यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करूं, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से करते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट, तो दोनों में आप देखेंगे यहाँ पर भी मैंने एरिया यहाँ से सिलेक्ट किया था और यहाँ मिनिमम में भी मैंने एरियाज यहाँ से ही सिलेक्ट किए थे। तो इस तरह से इस पूरी रेंज को इसने यहाँ दिखा दिया कि इस पूरी रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर निकाला गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट्स की, तो ट्रेस डिपेंडेंट में होता है कि हमारे जो वैल्यूज हैं, जैसे 50 है, ये 50 कहाँ पे डिपेंड करती है। यहाँ अगर मैं करता हूँ ट्रेस डिपेंडेंट्स, तो आप देखेंगे इस 50 के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे निकाला गया है। अगर मैं यहाँ 36 की बात करूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रेस डिपेंडेंट्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे 36 को यूज किया गया है। रिमूव एरोज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अब मैं यहाँ पे आके करता हूँ ट्रेस डिपेंडेंट्स, तो आप देखेंगे ये बताएगा कि 244 इस फॉर्मूला में भी यूज हुआ है और ये इस फॉर्मूला में भी यूज हुआ है। तो इस तरह से ये एरोज शो कर देता है। आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया हो। अब हम आगे बात करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं अगला ऑप्शन, सो फॉर्मूलाज। अब सो फॉर्मूलाज एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आपने अपनी शीट में जितने भी फॉर्मूलाज यूज किए होते हैं उन सारे फॉर्मूलाज को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर मैं सो फॉर्मूला में क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है मैक्स का, तो वो पूरे मैक्सिमम का फॉर्मूला यहाँ पे शो कर देगा। इससे मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे सम के फॉर्मूला शो कर देगा ये। तो ये होता है सो फॉर्मूला। आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, इस तरह से हट जाएगा। इसी के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन। आप जैसे इसको प्रेस करते हैं, तो इसको प्रेस करने पर आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला आपको दोबारा से डिस्प्ले होने लग जाएंगे, और दोबारा से आप उसी को प्रेस करिए, सारे ऑप्शंस पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है एरर चेकिंग का। एरर चेकिंग ऑप्शन इसलिए यूज किया जाता है कि अगर कभी भी हम कोई एरर यूज करते हैं अपने फॉर्मूला में या हमसे कोई गलतियां होती हैं, तो उन एरर्स को हम डीपली चेक कर पाएं कि उनमें क्या गलती है, हम उसे एवलेट कर पाएं या फिर हम लोग उसे इग्नोर कर पाएं। तो इन सारे ऑप्शंस को यूज करने के लिए हम लोग एरर चेकिंग का यूज करते हैं। अभी इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला का मैं नेम चेंज कर दूं, अगर थोड़ा सा एंटर प्रेस करते हैं इस तरह से, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक नेम एरर शो हो गया है। अगर मैं इस जगह जाता हूँ एरर चेकिंग में, और यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ इस तरह से दिखा रहा है, ये कह रहे हैं कि इनवैलिड नेम एरर, यानी कि हमारे जो फॉर्मूला है उसका जो नेम है वो एरर है। एक तरीके से नेम में हमने गलती करी है कि इस नेम का कोई फॉर्मूला एक्सेल के अंदर होता ही नहीं है, तो ये दिखा रहा है। अगर हम लोग हेल्प ऑन दिस एरर करते हैं, तो ये हम लोगों को इस तरह से डायरेक्ट गूगल से कनेक्ट कर देता है। और वहीं पे अगर मैं इसे करता हूँ सो कैलकुलेशन स्टेप्स, तो सो कैलकुलेशन स्टेप में दिखाता है कि हमने क्या क्या गलती करी है इस तरह से, जो कि हम लोग एवलेट फॉर्मूला की मदद से भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगर इसमें इग्नोर एरर, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला बार के अंदर उसको एडिट करना हो, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस, तो इस तरह से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि एक एरर हमारा यहाँ पे लग रखा है, नेक्स्ट इस जगह लगा हुआ है और नेक्स्ट इस जगह लगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इस एरर चेकिंग का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें इस एरर को चेंज करना होता है, तो इसके लिए हम लोग इस एवलेट फॉर्मूला का यूज करते हैं। और अगर हम इस एरर को इग्नोर करना चाहते हैं, तो हम इस इग्नोर एरर पे क्लिक करते हैं। इसको भी इग्नोर करना है तो इग्नोर एरर, एक और बच रहा है इसको इग्नोर करना है तो इग्नोर एरर। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके सारे एरर जो है हम लोगों ने इग्नोर कर दिए हैं। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। फिलहाल इसको मैं अंडू कर देता हूँ, ये अभी एरर शो कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे है इवेल्यूएट फॉर्मूला। इवेल्यूएट फॉर्मूला में क्या होता है कि हम लोग ये चेक करते हैं डीपली कि आखिर जो हमारा फॉर्मूला है कि उसमें एसएम करके ऐसे शो कर रहा है अंदर। यहाँ पे इवेल्यूएट करेंगे तो ये कहेगा कि हाँ भाई नेम गलत है, रेंज तो ठीक है बट नेम गलत है। फिर हम लोग दोबारा से इस पे क्लिक करते हैं, तो दिखाएगा कि फाइनल होने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से नेम एरर ही शो करेगा इस तरह से। बाकी हम लोग इसे कर देते हैं क्लोज। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमारा फॉर्मूला सही होगा, तो यहाँ पे आंसर हम लोग को सही से डिस्प्ले कर लेगा, और इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब हम अगला ऑप्शन इसमें यूज करते हैं वॉच विंडो का। अब वॉच विंडो एक तरीके से इसके अंदर एक यूजफुल ऑप्शन होता है कि जब हमारे पास लॉन्ग डेटा होता है तब हम लोग इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए मैंने एक अलग शीट बनाई हुई है। हम शीट 2 पे जाते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से एक डेटा है,
ये भी एक ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक ऐसा डेटा है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं वॉच विंडो के लिए। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से मेरे पास एक डेटा बना हुआ है जिसका हमें टोटल आ रहा है इतना। बाकी अगर मैं यहाँ से अगर कोई भी चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 12,000 और एंटर करते हैं, तो नीचे क्या चेंजेस हुए क्या आपको देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो भी चीज़ अगर अपनी चाहिए होती है वॉच विंडो में, तो हम लोग वॉच विंडो में कुछ इस तरह से क्लिक करते हैं और वॉच विंडो को हम लोग जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहें वहाँ पे कुछ इस तरह से रख देते हैं। अब यहाँ पे आप जाएंगे, आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है ऐड वॉच का। अब ऐड वॉच में क्लिक करते हैं, आपको कौन सी लोकेशन इसमें ऐड करनी है, तो मुझे ये वाली लोकेशन इस ऐड वॉच में चाहिए, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरी ये लोकेशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से कोई भी चेंजेस करता हूँ, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 215,000 दिखा रहा है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको करता हूँ 9,000 और एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको वो चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ और यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, मैंने इसके 4,000 एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर चेंजेस होंगे। तो आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरह से जो आपको वॉच विंडो होती है ये आपको हेल्प करती है कि आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसको इस तरह से नहीं रखना हो तो आप इसको बस मूव करिए और फॉर्मूला बार के पास में लेके जाइए और यहाँ पे आके इसे छोड़ दीजिए। कुछ इस तरह से आप इसका यूज कर पाएंगे और अपने चीजों को इस तरह से डिस्प्ले कर पाएंगे, जहाँ पे आपको हेल्प करेगा ये दिखाएगा बुक, यानी आपने कौन सी वर्कबुक खोली हुई है, उसमें कौन सी शीट खोली हुई है और इस तरह से कौन से लोकेशन पर आप वैल्यूज को देख पा रहे हैं। तो ये आपको हेल्प करता है वॉच विंडो। अगर आपके पास बड़े बड़े डेटा हैं और उन बड़े डेटा में से आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक लोकेशन पे देखनी होती है, तो इस जगह पे आप वॉच विंडो का यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। आई होप गाइस आपको ये ऑप्शन क्लियर हुआ हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन इसमें है कैलकुलेशन ऑप्शंस। तो कैलकुलेशन ऑप्शंस हम लोग अगर देखें, मैं दोबारा से शीट 1 पे चले जाता हूँ, यहाँ पे हम इस वॉच विंडो का भी रिमूव करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो यह मेरे पास एक डेटा है, अभी मैं इन वैल्यूज को यहाँ से डिलीट करता हूँ। कैलकुलेशन में ऑप्शन है ऑटोमेटिक और यहाँ पे है मैनुअली, यानी कि अगर मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल सम और इस पूरी रेंज को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, अगर मैं 244 को इस तरह से नीचे को ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे सभी का आंसर निकल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करके रखा हुआ है। अगर वहीं पे मैं इसे अंडू करता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं इसे मैनुअल कर दूँ, तो मैनुअल में क्या होगा कि कुछ इस तरह से आप रेंज को जब ड्रैग करेंगे नीचे को तो ये एक ही आंसर देगा, और जब आपको आंसर सही से निकालने होंगे तो आप कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तभी आंसर निकालेगा। तो ये होता है मैनुअल ऑप्शन। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक्सेल में काम कर रहे होते हैं और कुछ इस तरह से हम लोगों को चीजें फेस करनी होती हैं, तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूलाज में आके इस ऑप्शन को जरूर चेक करिए। तो अभी हम लोग इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन मिलेगा हमको ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स। तो इसका क्या यूज होता है, अभी अगर हम लोग इस सेक्शन में जाते हैं शीट नंबर 3 पे, अब मैंने यहाँ पे एक डेटा बना के रखा हुआ है। अब डेटा टेबल्स के लिए हम लोगों को पहले अपने डेटा को एक डेटा टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो डेटा टेबल का हमारा ऑप्शन रहता है वो हमें मिलेगा डेटा के अंदर। डेटा में आने के बाद हमें इस लोकेशन पे इसको डेटा टेबल में कन्वर्ट करना है। हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं व्हाट इफ एनालिसिस, हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे डेटा टेबल। अब डेटा टेबल होता क्या है, इसको हम लोग डीपली तभी जानेंगे जब हम लोग डेटा टेब के बारे में सीख रहे होंगे। अभी मैं आपको एक इसका यूज करके दिखा दे रहा हूँ कि जहाँ पे हमारे कोई बुक्स हैं जिनका रेट है 150 और हमें खरीदनी है 12, तो वह हमें पड़ती है 18,000 की। तो यहाँ पे मैंने और भी कुछ रेट लिखे हैं कि अगर बुक का रेट 160 होता है तो वो क्या रेट होगा, अगर उनका रेट 170 होता है तो क्या रेट होगा, अगर वो 180 के होते हैं तो क्या होगा, और 190 होते हैं तो क्या होगा। उसके लिए हमें इस रेंज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। हम इसे कर देंगे ओके। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि 160 के होने पर आपको बुक्स इतने की पड़ेंगी, 170 के होने पर इतने की दिखेंगी। अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 200 और मैं इसे करता हूँ एंटर, तो यहाँ पे आप देखेंगे चेंजेस यहाँ हो रहे हैं इजिली। तो अभी ये क्योंकि ऑटोमेटिक हो रखा है इसलिए ये डेटा यहाँ पे कर रहा है। अगर हम लोग फॉर्मूला टैब में जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जैसे मैं अगर यहाँ पे जाऊं, मैं इस डेटा को यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद मैं इसको इस रेंज को ड्रैग करता हूँ नीचे को, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक डेटा काउंट कर रहा है। हम शीट नंबर 3 पे जाते हैं, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज को चेंज करता हूँ, जहां मैं इसे करता हूँ 220 और यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो क्या ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसे करता हूँ 300 एंटर करते हैं, तो ये क्या चेंज हो रहा है। अगर आप कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेट होंगे, क्योंकि हमने कहा है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, यानी इसको छोड़कर बाकी सबको ये ऑटोमेटिक कर देगा। अगर आपको सभी के लिए इसको ऑटोमेटिक रखना होता तो सभी के लिए ऑटोमेटिक रख सकते हैं, अगर आपको सिर्फ डेटा टेबल के लिए छोड़ के बाकियों के लिए ऑटोमेटिक रखना तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है, और अगर आपको सबके लिए मैनुअली करना है तो आप यहाँ मैनुअल पे क्लिक करके रखते हैं। तो अभी मैं इसे दोबारा से मैनुअल पे क्लिक करके रखता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट का यूज समझना है। तो मेरे पास जो शीट नंबर 1 है, मैं इसी शीट को कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं,
मूव और कॉपी पे क्लिक करते हैं और क्रिएट ए कॉपी करने के बाद शीट टू के पहले मुझे वो शीट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके रखते हैं और उसे ओके कर देते हैं। तो यहीं पे एक शीट और ऐड हो जाएगी। अब मैं इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ से भी मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। अभी मैंने मैनुअली करा हुआ है, दोनों में मैनुअल ऑप्शन लगा के रखा हुआ है। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे को तो यहाँ 244 आ जाएगा आंसर सभी का। शीट नंबर टू पे जाते हैं, यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं नीचे को तो इसका भी यही आएगा। अगर मैं कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ सभी का टोटल हो चुका है, और इस शीट पे जाते हैं तो इसका भी सभी का टोटल हो चुका है। यानी कि जब आपने डेटा कुछ लगा रखा हो, कुछ काम कर रखा हो आपने, आपको जितनी भी शीट्स हैं उन सभी का आंसर कैलकुलेट नाउ की मदद से निकालना है, तो उस कंडीशन में आप इस कैलकुलेट नाउ का यूज करेंगे। लेकिन कैलकुलेट शीट का यूज हमें तब करना है जब हम किसी पर्टिकुलर शीट पे काम कर रहे हो और हमें उसी शीट के फॉर्मूलाज को काउंट करना है, बाकियों के फिर भी मैनुअली रखना है, तो हम कैलकुलेट शीट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं इस डेटा को यहाँ से डिलीट करता हूँ, अब मैं इसको यहाँ से नीचे को ड्रैग कर देता हूँ, ये मैनुअली आए सारी चीजें। फिर से हम लोग इस एरिया को भी सिलेक्ट करते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं, फिर से इसको नीचे को ड्रैग करते हैं, तो आप देखेंगे ये भी मैनुअली आए, ये शीट है और ये शीट है। मैं ये चाहता हूँ कि इस शीट के आंसर तो सही हो जाए और उस वाली शीट के ना हो, तो हम कैलकुलेट शीट पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे इस शीट के आंसर हो चुके हैं ठीक। हम दोबारा से आपके सामने दूसरी शीट पे जाते हैं तो आप देखेंगे इसके अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। जब आप यहाँ पे आके कैलकुलेट नाउ पे या कैलकुलेट शीट पे क्लिक करेंगे तो इस शीट के भी आंसर सही से निकल जाएंगे। आई होप आपको कैलकुलेशन वाले ऑप्शन भी समझ में आ गए हों। तो इस वीडियो में बताए गए ऑप्शंस इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, फॉर्मूला ऑडिटिंग, कैलकुलेशन, वॉच विंडो जैसे सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे और आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के रिगार्डिंग अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें। मैं आपके लिए सारे टैब्स को एक एक करके बना रहा हूँ, जहाँ पे मैंने होम टैब की वीडियो बनाई है, इंसर्ट की वीडियो बनाई है, पेज लेआउट की वीडियो बनाई है, और आज मैं आपके लिए फॉर्मूला टैब की वीडियो लाया हूँ। इन बाकी टैब्स की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और इन बाकी बचे हुए टैब्स की भी वीडियो मैं आपको आगे बनाने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, अपने कलीग्स को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी अपने एक्सेल में वर्क करते टाइम हेल्पफुल फील हो और उन्हें एक्सेल में काम करना इजी लगे। बाकी अगर आपको कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंग डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगी हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।